लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के अनेक श्रमिक मजदूर बीते कई दिनों से अटके हुए थे और इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए अमरावती रेलवे स्टेशन से शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन का आयोजन किया गया था। रेलवे स्टेशन पर समस्त मजदूरों को जांच करने के पश्चात ही उन्हें ट्रेन तक जाने दिया गया। इस समय पर उन्हें भोजन और पानी की बोतलें भी दी गई। दूसरे जिले से आए मजदूर ने नियोजन के बाबत दी अपनी प्रतिक्रिया। मैं यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं MIDC अकोला में काम करता था। अब यहां से जा रहे हैं, यहां व्यवस्था अच्छा मिला, ट्रेन सही है, खाना पीना भी मिला, जो भी है अच्छा सुविधा मिला, वो अपने यूपी जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जाने के लिए सभी श्रमिक मजदूरों के चेहरे पे एक रौनक नजर आ रही थी और इसी समय विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह गोयल और अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवल भी इन मजदूरों से वार्तालाप करते हुए नजर आए तथा अमरावती रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन का भी कड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा था। जिलाधीश शैलेश नवल सहित विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह गोयल भी अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पर इन मजदूरों को रवाना करते हुए नजर आ रहे थे। सभी मजदूर बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे। फिर उसमें पुरुष सहित महिलाएं और छोटे बच्चों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। इस श्रमिक विशेष ट्रेन में अमरावती जिले के सहित 4 जिले के मजदूर आए हुए थे और इन सभी मजदूरों के लिए दूसरे जिले से लेकर अमरावती रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार का नियोजन किया गया था, इस संदर्भ में एक प्राय परदेशी मजदूर ने दी जानकारी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। इधर फंस गया था, बहुत अच्छी तरह व्यवस्था की है, टिकट का पैसा भी नहीं लिया है और उसका खाने पीने की व्यवस्था की है। उसके बाद मैं फ्री में ही यूपी जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को। बस यही बहुत अच्छी व्यवस्था की है, खाने पीने की हर जगह से, गाड़ी से, बस से, हर चीज़ से व्यवस्था की है। कोई पैसा नहीं लिया खाने का न पीने का, किसी का कोई पैसा नहीं लिया है। अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के लिए ये विशेष श्रमिक ट्रेन को जिलाधीश शैलेश नवल, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह गोयल ने हरी झंडी दिखाकर अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से रवाना किया। विधर्म न्यूज ब्यूरो अमरावती।